आज देखें मेरे तमाम दर्शकों, डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। भाई बहन, जैसे आप जानते हो कि आज हरियाणा विधानसभा का बजट अभी रिलीज हुआ है और हमारे श्रोमणी अकाली दल के एकमात्र विधायक कलियां वाली से सरदार बलकौर सिंह जी हैं। बलकौर सिंह जी, किस तरह से आप महसूस करो इस बजट को? ये बजट कोई हरियाणा वासियों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लोगों को बहुत सारी ऐसी मांग थी, डिमांड थी लोगों की कि ये बजट, इस सत्र का आखिरी बजट है कि लोगों को बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी रहतें दी जाएंगी, परंतु ये उस तरह का बजट नहीं रहा जैसा लोगों की मंशा थी। आपको इसके अलावा अपने विधानसभा स्तर में कौन कौन से मुद्दे उठाए? मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जैसे पीने के पानी की समस्या है, लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है जो अनाउंसमेंट सरकार ने किया है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हम जहां नहीं हैं तो उनके लिए मैंने मुद्दे उठाए हैं, और आगे भी मैंने बजट सत्र में बोलना है तो उसमें भी ये मुद्दे उठाए जाएंगे। तो आप इस बजट सत्र को कितने नंबर दोगे 10 में से? नहीं, अभी नंबर वाली बात नहीं है, अभी बजट पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे, उसके बाद बजट पर चर्चा भी होगी, वो उसके बाद देखेंगे कितने नंबर वाला बजट है। अच्छा, कुछ दिन पहले कुछ मुद्दे आए थे आपके बारे में, कुछ गलत फहमी थी, क्या मुद्दे थे कि आप जीजीपी में जा रहे हो, इसके बारे में क्या? नहीं, ये तो हो गया, ये तो अब मैं तो श्रोमणी अकाली दल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं श्रोमणी अकाली दल के साथ हूँ, मैंने पहले भी कह दिया था और मैं अब भी कहता हूँ, मैं श्रोमणी अकाली दल का विधायक हूँ, मैं श्रोमणी अकाली दल का साथ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। तो ये हमारे बीच में थे सरदार बलकौर सिंह जी, कलियां वाली सिरसा से श्रोमणी अकाली दल के एकमात्र विधायक स्वास्तिक शर्मा, अपने कैमरामैन मनदीप गौतम जी के साथ।